भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह पहली नरेंद्र मोदी की सरकार है जो केंद्र में अगर एक रुपया भेजती है तो वह एक रुपया लाभुक के खाते में जाता है। इस सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आमदनी दुगना करने के लिए लगातार ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। आज इस कानून के तहत किसान स्वतंत्र है, वो देश के किसी भी राज्य में जाकर अपने उत्पादन को बेच सकते हैं। जहां उसे अच्छा मूल्य मिलेगा, जहां उनको अच्छा पैसा मिलेगा, वो जाके बेच सकते हैं। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी का स्वागत रामगढ़ में भाजपाइयों ने किया। केंद्र सरकार जो लगातार ऐतिहासिक निर्णय ले रही है उसका लाभ हमें बिहार चुनाव में मिलेगा। निश्चित रूप से आने वाले दिन में फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। माननीय नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे और साथ ही साथ झारखंड में भी जो दो उपचुनाव होने जा रहे हैं वो दोनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। बिहार में बिल्कुल जो कार्य हुए हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, जिसको बिल्कुल और साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसको लेके हम जा रहे हैं और बिहार में भारी बहुमत के साथ एनडीए आएगी, फिर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री। लेकिन मजबूती के साथ आने वाले दिन में अभी जो दो चुनाव होना है, उपचुनाव, दोनों ही उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और इस सरकार का यहीं से टर्निंग पॉइंट ये शुरू होगा, काउंट डाउन शुरू होगा।